तो आज मैं इस बेड की आपको प्राइस रिवील कर रहा हूँ। बहुत स्पेशल बेड है इसकी प्राइस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीलॉग ऑफ अब्दुल हनान। आज आपके लिए लाया हूँ सुल्तान फतेह आर्टिकल। ये बेड मैंने आपको जब भी दिखाया, इसकी वीडियो दिखाई है या इसकी पिक्चर लगाई है, आप लोगों ने इस बेड को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। तो दिखाता हूँ आज आपको ये वाला बेड। ये सबसे पहले आप इसका हेडबोर्ड देखें। हेडबोर्ड आप देखेंगे, इसके अंदर हमने जो कार्विंग है वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की है, बिल्कुल स्लीक सी की है। उसके बाद इसकी जो कलर थीम है वो हमने बिल्कुल डिफरेंट रखी है। उसके साथ आप स्मूथनेस चेक करें, स्मूथनेस आप देखें। साथ में आज मैंने जो शर्ट का कलर है वो भी इसके साथ का ही पहना है। मैंने कहा बेड इतना खूबसूरत आपको रिव्यू दे रहा हूँ, इतना खूबसूरत बेड आपको दिखा रहा हूँ, तो फिर मेरा कलर भी जो है ना वो थोड़ा सा मैच करना चाहिए इस बेड के साथ। मजे की चीज़ है, छोटे छोटे हमने जो इसके ग्रूव्स हैं उसके अंदर भी हमने इसका फैब्रिक एड किया, जहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता। फुल सॉलिड के साथ इसकी जो बेड की ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप अगर मार्केट में अच्छे ब्रांड्स के पास जाएं तो उन्होंने साइड के ऊपर जो है वो फैब्रिक लगाया होता है। फैब्रिक लगाने का मतलब ये होता है कि फैब्रिक बहुत इजीली लग जाता है, टाइम बहुत कम लगता है, कॉस्टिंग कम आती है और प्राइसेस लोग उसको ज़्यादा ले लेते हैं जी, लग्जरी फील है, ये है वो है। तो मैं जो आपको सजेशन दूंगा वो ये दूंगा कि जो साइड्स हैं, ये जो सॉलिड है, साइड्स जो हैं वो आप सॉलिड में लें, पेंट के अंदर लें, क्योंकि उससे हमारा काम जो है वो ज़्यादा बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और इस चैनल को सपोर्ट प्लीज़ लाजमी करें। साइड टेबल अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये जो फ्लोट करी है, ये हवा में फ्लोट करी है। इसकी लुक ऐसी है कि ये आपको फील ऐसा होगा कि हवा में फ्लोट करी। ड्रॉज में आपको इसके दिखाऊंगा, इसकी बड़ी स्मूथ फिनिशिंग है, ड्रॉज बहुत स्मूथ हैं। ये देखें जी, डिज़ाइन आप जो देख रहे हैं, सारी सीलिंग के जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये सारा एटमोसफेयर जो है वो मैंने खुद से क्रिएट किया है सीलिंग का, बेड्स का, ताकि जब आप शोरूम पे विजिट करें तो आपको एक बिल्कुल अलहदा से फील हो। बेड तो मैंने आपको दिखाया है, बेड के साथ मैंने आपको ड्रेसिंग टेबल भी दिखानी है। आधी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, पूरी चीज़ें दिखाऊंगा। ये देखिए जी ज़रा इसकी ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल आप देखें बड़ी प्यारी लुक में है। ड्रेसिंग टेबल का फ्रंट है, इसके ऊपर जो है वो कार्विंग की एम्बोजिंग हुई हुई है। उसके साथ दो ड्रॉज इधर हैं और साथ में मेरा है। तो मैं ड्रॉ खोलता हूँ, ड्रॉ की आप जो है वो स्मूथनेस देखें। सबसे पहले ये स्मूथनेस देखें, आपको हर चीज़ में हमारी क्वालिटी मिलेगी और अंदर तक हमने पेंट फिनिशिंग सारा कुछ जो है वो किया होता है। हमारी कोई भी चीज़ अधूरी नहीं होती है। बेड में आपको दिखा रहा हूँ तो साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा नहीं अपनी फिनिश, हमारी फिनिश ही तो देखने वाली है यार। फिनिश देखें, ये देखिए ज़रा फिनिश, आप इसके ऊपर इसकी सुपर ग्लॉस फिनिश चेक करें। देखें कैसे मैं स्मूथ तरीके से जो है वो अपना इसके ऊपर हाथ फेर रहा हूँ, उसकी डस्ट भी लगी मेरे हाथों पे। लड़के जो है ना बिल्कुल साफ नहीं करते हैं फर्नीचर को। इस बेड के साथ आप लुक देखें, सेटी के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मज़े की बात यार, आज मेरी जो शर्ट का कलर है ना वो बहुत ज़्यादा मैच करे। आपको सही बताऊँ तो आज इस बेड के लिए स्पेशल मैंने ये कलर चूज़ किया। मैं बैठ के देखूँगा तो कम्फर्टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये देखें जी कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, थैंक यू सो मच। ज़्यादा आज मैं अपनी तारीफ बहुत कर रहा हूँ, मैं खुद को बड़ा प्यारा लग रहा हूँ आज। लेकिन चेयर्स देख लें ज़रा पहले, देखें जी चेयर्स देखें। अब आप बेड देखें कैसी लुक आ रही है। तो आज मैं इस बेड की आपको प्राइस रिवील कर रहा हूँ, बहुत स्पेशल बेड है। इसकी प्राइस है 6,85,000 रुपीज़। और इसके साथ मुझे ये ना कहेगा कि इसकी प्राइस आपने बहुत ज़्यादा रखी है, क्योंकि इसकी क्वालिटी फिनिशिंग जो है वो टोटल मैं इंपोर्टेड दे रहा हूँ, मेरी फिनिशेस टोटल इंपोर्टेड आ रही हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैं डिस्काउंट परसेंटेज आपको दे सकता हूँ, कुछ अच्छी डिस्काउंट परसेंटेज आपको इसमें मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सुल्तान फतेह बेड जो है वो ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको ये बेड कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अब्दुल हनान की तरफ से अल्लाह हाफिज़।